अब दिनेश शुक्ला जो है वो दरभंगा के रहने वाले हैं। उनके पड़ोस में एक 7 साल का बच्चा था। अब करीब 1 महीने पहले की बात है कि बेचारा बाहर खेल रहा था वो, और खेलते खेलते उसकी जो गेंद है वो कुत्ते को लग गई। अब दिनेश ने बताया कि कुत्ते ने बच्चे को काट लिया, कुत्ते को रेबीज था। अब घर में ही घर वालों ने बच्चे का इलाज करना शुरू कर दिया, मरहम पट्टी करनी शुरू कर दी, डॉक्टर के पास नहीं ले गए। कुछ ही समय में बच्चे की जो हालत है वो बिगड़ने लगी। वो पानी से बहुत ज्यादा डरने लगा, उसको बुखार हो गया, कमजोरी शुरू हो गई, बहुत तकलीफ में था। महीने भर के अंदर बच्चे की मौत हो गई। रेबीज को लेकर क्या नहीं झूठी बातें फैली हुई हैं? या आपने सुना होगा कि अगर कुत्ता आपको काट लेता है तो आपको 14 इंजेक्शन लगवाने पड़ते हैं। रेबीज वाले कुत्ते ने अगर काट लिया तो इंसान भी कुत्ते की तरह भौंकने लगता है। सबसे बड़ी चीज तो ये है कि दुनिया में सबको लगता है कि अगर आपको कुत्ते ने काटा है केवल तो ही आपको रेबीज हो सकती है। दुनिया भर में लोग बहुत सारे टोटके आजमाते हैं रेबीज से निपटने के लिए, सब होता है, बस समय पर रेबीज का इंजेक्शन नहीं लगवाते जो जान बचा सकता है। इसलिए हम आज बात करेंगे रेबीज के बारे में। nhp.gov.in अब ये एक सरकारी वेबसाइट है, इसके मुताबिक आज भी रेबीज से हर साल 20,000 लोग मरते हैं केवल हिंदुस्तान में। सोचिए, तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि रेबीज क्या होता है और क्या सिर्फ कुत्ते के काटने से ही रेबीज हो सकता है। रेबीज एक ऐसी बीमारी है जो दिमाग और तंत्रिकाओं पर असर करती है। यह बीमार जानवर से इंसान में हो जाती है। यह एक वायरस की वजह से होती है जिसका नाम है रैबडो वायरस। इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, यह 100% फेटल है। मगर अच्छी बात यह है कि इससे बचाव बहुत ही आसान है। ज़्यादातर रेबीज के केस बीमार कुत्ते के काटने की वजह से देखे गए हैं, मगर किसी भी बीमार जानवर के काटने, खरोंचने, उन्हें सहलाने या उनके मल मूत्र के संपर्क में आने से भी रेबीज हो सकती है। और भारत में बंदर, घोड़े, जंगली चूहे, चमगादड़, गधे, लोमड़ी, जैकॉल, नेवला आदि से भी इसके संक्रमण होने के केसेस देखे गए हैं। गाय और भैंस को भी बीमार जानवर के काटने से यह बीमारी हो सकती है, और ऐसी स्थिति में उनके मुंह के आसपास झाग जैसा दिखाई देने लगता है, और बीमार गाय या भैंस का दूध वगैरह इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जानवर या तो एकदम से अगर जंगली जानवर है या पालतू जानवर नहीं है तो वो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हो सकता है, बहुत ज़्यादा पालतू की तरह बिहेव कर सकता है। कुछ जानवरों में ही देखा जाता है कि वो पागल से हो जाते हैं और जिसको देखते हैं उसको काटने को दौड़ते हैं। ज़्यादातर जानवर चुप हो जाएंगे, छुप जाएंगे, आपको अपने बहुत नज़दीक आने देंगे, लेकिन ऐसे जानवरों के पास नहीं जाना चाहिए। घाव में खुजली हो सकती है या दर्द दोबारा से हो सकता है, बुखार या हरारत जैसा महसूस हो सकता है, पानी से डर लगने लगता है इंसान को, चमकदार रोशनी अच्छी नहीं लगती, तेज़ हवा, आवाज़, सब इन सब चीज़ों से इंसान को डर पैदा होने लगता है। इसको एरोफोबिया या हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं। और होने वाली मृत्यु से भी उसको डर लगने लगता है, गुस्सा आ जाता है, चिड़चिड़ाहट होती है, डिप्रेशन में आ जाता है, कई लोगों में हाइपर एक्टिविटी हो जाती है। 2-3 दिन में ही हाइड्रोफोबिया या पानी से बहुत ज़्यादा डर लगने लगता है। ऐसे में पानी की आवाज़ भर सुनने से ही इंसान का गला घुटने लगता है, दम घुटने लगता है। बढ़िया से बढ़िया इलाज के बावजूद भी सपोर्टिव ट्रीटमेंट ही दे सकते हैं ऐसी स्थिति में, और 5 से 6 दिन में इंसान की मृत्यु हो सकती है। अगर आप किसी भी संक्रमित जानवर या संभावित रूप से संक्रमित जानवर के संपर्क में आए हैं तो तुरंत नज़दीकी हॉस्पिटल में जाकर एंटी रेबीज वैक्सीन ARV ज़रूर लगवाएं। यह 5 डोज का इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन है जो कि 0 दिन, मतलब जिस दिन काटा है जानवर ने वो 0, फिर 3rd दिन, फिर 7th दिन, 14th दिन और 28th दिन ये टीका लगता है। और इसको बिना भूले लगवाना चाहिए क्योंकि इस बीमारी से बचाव ही इसका इलाज है। रेबीज का कोई इलाज नहीं है, इसलिए इसके बचाव के ही साधन सबसे मुख्य हैं।
घाव को बहते पानी में साबुन से अच्छे से, बहते पानी से साबुन से अच्छे से 15 मिनट तक धोना चाहिए। 70% अल्कोहल युक्त डिसइंफेक्टेंट से उसको क्लीन करना चाहिए या फिर पोविडोन आयोडीन सॉल्यूशन से उसको धोएं। जल्दी से जल्दी नज़दीकी सरकारी हॉस्पिटल में जाकर फिर टीका लगवाना चाहिए। घाव पर लाल मिर्च या कोई और घरेलू चीज़ नहीं लगाना चाहिए। घाव पर किसी भी तरह का ड्रेसिंग नहीं करना चाहिए या स्टिच नहीं लेना चाहिए। अव्वल तो अपनी ये गलत फहमी आप दूर कर लीजिएगा कि रेबीज सिर्फ कुत्ते के काटने से होता है। बहुत ज़रूरी है कि सही समय पर इसका टीका लग जाए, नहीं तो जान जा सकती है। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ। जानते हैं क्या है साइटोकिन स्टॉर्म जो कोविड में मौत की वजह बन रही है। भले ही कोविड के केसेस देश में लगातार कम हो रहे हैं पर बहुत सारे सवाल अभी भी बने हुए हैं। जैसे ऐसा क्यों है कि कुछ लोग कोविड से ठीक हो जाते हैं और कुछ लोग नहीं बच पाते। हाँ, बहुत केसेस में पहले से अगर आपको डायबिटीज है या हाइपरटेंशन है या दिल या फिर किडनी की बीमारी है तो केस और ज्यादा बिगड़ सकता है। बात जब कोविड से जान जाने की होती है तो साइटोकाइन स्टॉर्म एक बड़ी वजह है। अब क्या होता है ये हमें बताया डॉक्टर दीपक शुक्ला ने। देखिए, सबसे पहले ये समझ लीजिए कि साइटोकाइन क्या होते हैं। ये एक तरह के प्रोटीन होते हैं जो आपके शरीर के अलग अलग सेल्स बनाते हैं। ये काफी मददगार भी साबित होते हैं। कैसे? इम्यूनिटी में। शरीर के अंदर कोई भी कीटाणु या विषाणु आता है तो उसे लड़ने में, पर गड़बड़ तब हो जाती है जब शरीर हद से ज्यादा साइटोकाइन बनाने लगता है। तब शरीर जैसे रिएक्ट करता है वो बहुत खतरनाक होता है। जब शरीर के अंदर हद पार साइटोकाइन बनने लगते हैं तो उसे साइटोकाइन स्टॉर्म कहते हैं। इस दौरान शरीर अपना ही दुश्मन बन जाता है। शरीर अपने ही सेल्स और टिश्यू पर हमला बोल देता है। ये साइटोकाइन्स वायरस से लड़ने के बजाय अपने शरीर के सेल्स को ही नुकसान पहुंचाने लगते हैं, जैसे घर का भेदी लंका ढाए। इस वक्त मरीज के खून में साइटोकाइन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। ऐसा अक्सर तब होता है जब मरीज को कोई ऑटो इम्यून बीमारी होती हो, जैसे कि रूमेटाइड अर्थराइटिस, डायबिटीज वगैरह। हमने ऑटो इम्यून डिजीज पर एक एपिसोड भी किया था, जानकारी के लिए आप उसे देख सकते हैं। ऐसे में साइटोकाइन स्टॉर्म होता है और आपका शरीर आपका दुश्मन बन जाता है। अब सीरियस टॉपिक से थोड़ा लाइट टॉपिक पर आते हैं। बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ। खुराक, एक झकास सी हेल्थ टिप। जैसे अगर चाय कॉफी के शौकीन हैं तो उसे थोड़ा हेल्दी कैसे बनाएं। एक बात बताइए, दिन भर में आपके चाय कॉफी के कितने कप हो जाते होंगे? अगर जवाब है पता नहीं तो थोड़ा कंट्रोल करिए। वैसे हमने पूछा था डॉक्टर विभूषा से कि भाई अगर ये लत जा नहीं रही है तो क्या कोई गुंजाइश है इसे थोड़ा हेल्दी बना लिया जाए। तो उन्होंने बताया कि चाय और कॉफी के शौकीन हैं तो उसे थोड़ा हेल्दी बनाने के लिए उसमें दालचीनी का इस्तेमाल करें। दालचीनी ब्लड ग्लूकोज को कम करती है। डायबिटिक लोगों के लिए ये फायदेमंद होती है। कॉफी और चाय में थोड़ी सी दालचीनी डालने से इसका फ्लेवर भी काफी आपको अलग लगता है। लेकिन ध्यान रहे कि चाय और कॉफी में शुगर यानी चीनी का इस्तेमाल ना ही करें तो ही बेहतर है। आज सेहत में इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर है और हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज पर लाइक करिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। शुक्रिया।